मैं हूँ रेशमा जायसवाल और आज हमारे साथ हैं मनोज तिवारी जी, गायक, अभिनेता और फिर राजनेता। टीवी इंडिया लाइव में मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आपको भी धन्यवाद बात करने के लिए। मनोज जी, आपसे पहला सवाल, सन 2019 के लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, कितना मुश्किल लगता है ये सफर आपको बीजेपी के लिए? नहीं, बिना मुश्किल के कुछ चीज मिलती है तो उसका कोई आनंद भी नहीं है। और बीजेपी हमेशा मुश्किलों के साथ ही आगे बढ़ी है। लोगों को बांटकर शासन करना, जाति के आधार पर बांटो, संप्रदाय के आधार पर बांटो, तो ऐसी शक्तियां एक तरफ है और एक तरफ सबका साथ विकास, नरेंद्र मोदी, उनकी टीम, तो ये सफर थोड़ा और मुश्किल होता है, क्योंकि वो लोग जो बांट और राजकर्मों में विश्वास करते हैं, ऐसे लोग क्षणिक ढंग से बहुत प्रभावित कर लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो देश के मित्र नहीं होते, मानवता के भी मित्र नहीं होते। तो इसलिए हम मुश्किल के बावजूद आगे बढ़ रहे हैं। जी हैं, मायावती जी हैं, राहुल हैं, अब तो तेज प्रताप जी भी जो हैं वो बहुत तेजी से अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश में है। कितने बीजेपी के आपको लगता है कि ये वोट काट पाएंगे? ये लोग लोकतांत्रिक लोग नहीं है, ये लोग परिवारवाद वाले लोग हैं। तो जो परिवारवाद इस देश को चाहिए या लोकतंत्र चाहिए, ये देश विचार कर रहा है। टीवी इंडिया लाइव, ये भरोसा है लोकतंत्र का, हमारे भारत का। टीवी इंडिया लाइव, ये भरोसा है लोकतंत्र का, हमारे भारत।